हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 ऑफ बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बुक एलिमेंट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम बाइनोमियल कॉफिशेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें बाइनोमियल कॉफिशेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए, उसी के बेस पर हमें इसमें क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^n, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ द बाइनोमियल कॉफिशेंट इज 2^n। उसने कहा अगर हमारे पास एक एक्सपेंशन है 1+x^n और उसके जो पॉजिटिव n तक हमें जाना है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमारे जो आंसर होगा उसके कॉफिशेंट का वो 2^n होगा। फॉर एग्जाम्पल एन सी ज़ीरो, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 1+x^n को, एन सी 1x, एन सी 2x² डैश डैश एन सी एन तक, एन तक होना चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है, इनटू x की पावर n, तो हमारा सम इसका क्या आएगा, 2^n। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई कहता है 1+x^6 ले लेते हैं हम, ठीक है, 6 तक करना है, तो हम क्या करेंगे इसका, हम कहाँ से शुरू करेंगे, एन सी 0 प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2x² प्लस डैश 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 एन के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, सॉरी 6। हमें 6C0 से शुरू करके 6C6 तक हम जाएंगे, x की पावर 6, तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 2^6। कंडीशन क्या है, फर्स्ट टर्म भी होनी चाहिए और लास्ट में एन सी एन होना चाहिए, स्टार्टिंग में एन सी 0, मीन्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^n, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ ओड टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ इवन टर्म्स एंड ईच इज इक्वल टू 2^n-1। इसने क्या कहा कि हमारे पास अगर हम कोई भी एक्सपेंशन हम इसमें यही लेके चल रहे हैं 1+x^n, तो इसमें देखो, इसमें तो कंटिन्यू था 0, 1, 2, 3, 4, पूरे होल नंबर स्टार्ट थे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें क्या बोला इसने, हमारे पास इवन का और ओड का कोफिशेंट क्या होगा, 2^n-1। वो कैसे होगा, देखिए हमने ये वाली एक्सपेंशन ले ली एन सी 0, एन सी 1 ऊपर वाले ही, उनके कोफिशेंट ले लिए सी 0 प्लस सी 1x, सी 2x, सी 3x डैश डैश डैश, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया, पुट कर लिया x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स के प्लेस पर माइनस पुट किया, तो 0, ये तो देखो यहाँ पर 1-1^n, 0 की पावर n 0 हो जाएगा, सी 0 माइनस एक्स के प्लेस, ये क्या हो जाएगा, माइनस सी 1। अब जब इसको स्क्वेयर एक्स के प्लेस पर माइनस 1 का स्क्वेयर पुट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा सी 2, माइनस सी 3 प्लस सी 4 माइनस सी 5 प्लस सी 6 डैश डैश माइनस 1^n इंटू एन सी एन। अब देखिए क्या होगा इसमें, हमारे पास ये 0 है, इसमें मैंने जो ये माइनस वाली टर्म्स हैं उसको मैंने क्या किया, इस साइड ले आए, ठीक है, माइनस वाली टर्म को हमने एक साइड कर लिया और प्लस वाले को एक साइड कर लिया। आप देखो माइनस वाले टर्म हमारे पास सी 1, सी 3, सी 5 डैश डैश डैश, और प्लस वाली हमारे पास ये सी 0, सी 2, सी 4, ये माइनस से प्लस चेंज हो गया, ठीक है, साइड चेंज करेंगे हम और ये वाले प्लस में, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट, इन सब का हाफ, हाफ इंटू 2^n था, हमने ऊपर वाले में कैलकुलेट किया था, तो ये क्या हो गया, इसका भी बेस 2 है, तो ये 2^1 है, तो 2 बेस सेम है हमारे पास, डिवाइड में माइनस हो जाएगा 2^n-1, तो इट मीन्स हमारा क्या आया, सम ऑफ ओड कोफिशियंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशियंट इज इक्वल टू 2^n-1। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज द कोफिशियंट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^n आर इक्वल। इसने कहा कोई भी कोफिशियंट्स है टर्म्स का, या तो बिगनिंग से या एंड से, किसी भी एक्सपेंशन का बोले वो, तो वो दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो देखिए कोफिशियंट आर प्लस वन है टर्म का क्या होता है, एन सी आर, ठीक है, एन सी आर होगा हमारे पास, और आर प्लस वन टर्म जो एंड से है उसको बिगनिंग से करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था लास्ट एक्सरसाइज में,
एन माइनस आर प्लस टू, ठीक है, आर मतलब जो टर्म है आर प्लस वन, ठीक है, प्लस टू, तो इसको सोल्व किया एन माइनस आर माइनस वन प्लस टू, ये बन गया एन माइनस आर प्लस वनथ टर्म। अब एन माइनस आर प्लस वन का मीनिंग क्या है, इसमें आर क्या है आपके पास, एन माइनस आर, तो एन सी एन माइनस आर। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, हमारी कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है ये, तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, कोफिशियंट ऑफ आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द बिगनिंग आर इक्वल। इसमें हमारे पास उसके जो कॉफिशियंट्स है, टर्म्स इक्वल नहीं होंगी, कॉफिशियंट्स इक्वल होंगे, ध्यान रखना है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज, उसने क्या कहा, सम ऑफ स्क्वायर, अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करेंगे उसके स्क्वायर्स का सम हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसके कॉफिशियंट का, टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 प्लस डैश 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 12C12 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 12, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम देखिए, ये यहाँ से शुरू है NC0, NC1 हमारी एक प्रॉपर्टी है, NCN तक है, तो 2 रेज टू पावर n होगा। अब इसमें n के प्लेस पर हमें क्या गिवन है, 12, और लास्ट तक भी 12C12 है हमारे पास, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, 0 से शुरू और NCN पे एंड हो रहा है, अगर नहीं है तो हमें प्लस माइनस करना पड़ता है। अब हमारे पास है 12C0 प्लस 12C1 12C2 12C12 तक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 रेज टू पावर 12, हैंस प्रूफ। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 10C1 प्लस 10C2 प्लस डैश 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 10C10 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कंडीशन क्या है, ये नंबरिंग तो ठीक चल रही है, 1 2 3 4 10C10, ये तो ठीक है, बट कहाँ से शुरू होना चाहिए हमारा, 10C0 से, वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 10C0 इन लेफ्ट हैंड साइड। जब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस साइड तो मैंने ऐड कर लिया 10C0 प्लस 10C1 10C2 प्लस डैश डैश प्लस 10C10, फिर माइनस 10C0, प्लस माइनस कर लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई ये वाली, तो हमारे देखिए NC0 NC1 NC2 प्लस डैश NCN 2 रेज टू पावर n, तो इसको तो लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10, n के प्लेस पर क्या है इसमें 10 माइनस, और 10C0 का मीनिंग क्या होता है 1, हैंस प्रूफ। यहां लिखेंगे जरूर आप यूजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 8C0 प्लस 8C2 प्लस 8 8C8, देखो 0 2 4 6, मतलब इवन नंबर चल रहे हैं, 2 रेज टू पावर 7, तो हमारे पास थी प्रॉपर्टी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डैश NCN तक है, तो हमारे NCN तक होना चाहिए 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमारे पास n क्या है, इसमें n है 8, तो यही हमारा हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7, यही हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है हमारे पास 14C1 प्लस 14C3 प्लस डैश 14C13, ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 13। अगर हम इसमें देखें तो 1 3 5 7 9 ओड नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है, ओड नंबर की हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ओड नंबर में NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NCN माइनस 1 होना चाहिए, और उसमें हमारे पास 1 से शुरू होगी ओड नंबर वाली, ध्यान रखना है, बाकी इवन की और होल नंबर वाली 0 से शुरू होगी, लेकिन ये वाली 1 से शुरू होगी हमारे पास, इसका फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो n के प्लेस पर क्या है 14, 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C13 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 14 माइनस 1 2 रेज टू पावर 13, बिकॉज सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज 2 रेज टू पावर n माइनस 1। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 17C2 प्लस 17C4 प्लस 17C6 प्लस 17C16। अब देखिए, अगर हम देखें इसमें
हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर की प्रॉपर्टी चल रही है, बट इवन नंबर के लिए हमारे पास 0 होना चाहिए, 17C 0, वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 17C 0 को, 17C 0 प्लस 17C 2 प्लस 17C 4 डैश डैश 17C 16, माइनस कर दिया इस साइड 17C 0, प्लस भी कर लिया माइनस भी। अब ये तो इवन नंबर की प्रॉपर्टीज बन गई, इवन नंबर 2 raised to power n-1, n के प्लेस पर है 17-1, माइनस ये क्या हो जाएगा इसका हमारा 1, तो 2 raised to power 16-1 आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 8C 2 + 8C 4 + 8C 6 + 8C 8, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो 2, 4, 6, 8 ये चल रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, इसमें 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो 0 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8C 0 + 8C 2 + 8C 4 + 8C 6 - दिस, ठीक है, 8C 0 को माइनस कर दिया। ये इवन नंबर की प्रॉपर्टी, 2 raised to power n-1 मीन्स 8-1, इसका हो गया -1, 2 raised to power 7-1 विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज 12C 1 + 12C 2 + 12C 3 - 12C 11। अब देखो ये तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल सिंपल चल रही है 1 से लेकर 11 तक, लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो नहीं है कि 12C 0 से शुरू और NCN पर ख़त्म। NC 0 हमें प्लस करना पड़ेगा, एक तो हमें NC 0 चाहिए, मतलब 12C 0 चाहिए, और एक हमें चाहिए 12C 12 टू चाहिए। अगर हम प्लस करेंगे तो हमें माइनस भी करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12C 0 भी प्लस कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 12C 0 - 12C 12, 12C 0 + 12C 1 + 12C 2 - 12C 11 + 12C 12, माइनस भी कर दिया इनको, 12C 0 - 12C 12, तो ये बन गया हमारे पास n 2 raised to power n - 1 - 1, ठीक है, तो 2 आएगा 1 - 1 2, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ C 0, C 1, C 2 आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x raised to power n, फाइंड द वैल्यू ऑफ C 0 - 2C 1 + 3C 2 - 4C 3 + ... अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्सपेंशन है हमारे पास 1 + x raised to power n, तो इसके कोफिशिएंट्स चाहिए हमें, कोफिशिएंट ले लिए हमने C 0 + C 1 x + C 2 x² + C 3 x³ - CN x। अब अगर हम देखें तो हमें यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है, C 1 के साथ क्या आना चाहिए, 2। 2 कब बनेगा हमारे पास, देखिए ध्यान से आप, 2 बनने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते तो मैंने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन को पूरी को x से मल्टीप्लाई कर दिया। x से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 + x raised to power n क्या हो गया, x into C 0 + C 1, x से मल्टीप्लाई किया ये x² बन गया, ये x³ बन गया, x⁴ बन गया, ये x⁴n+1 बन गया। अब हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, देखो इस साइड वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा, यू भी लगेगा, ठीक है, लास्ट हमारा पिछले सेमेस्टर में भी था थर्ड चैप्टर डिफ्रेंशिएशन का, यू भी लगेगा, यू एज इट इज़ वी का डेरिवेशन nx n-1 प्लस वी एज इट इज़ यू का डेरिवेशन 1 हो गया, इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, x का 1 ये C 0 प्लस C 1 का C 1 और x² का 2x, C 2 का C 2 और x² का 3x², C 3 x⁴ का 4x³ --। अब हमने क्या किया, हमने पुट कर लिया x = -1, x के प्लेस पर जब हमने -1 पुट किया तो क्या आ गया, C 0 - 2C 1 + 3C 2 - 4C 3 --, ठीक है, यही हमें देखो प्रूव करना था उसमें, हैंस सॉरी ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, C 0, 2C 1, 3C 2, ये सब कुछ आ गया था, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, प्रूव नहीं करना था, 0 हमारा आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज C 0 by 1
प्लस सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय थ्री प्लस डैश 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 सी एन बाय एन प्लस वन। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, देखिए सी ज़ीरो बाय वन सी वन बाय थ्री, इसको हमने एज इट इज़ लिखा था। सी ज़ीरो का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर हम सबके साथ ना एन पुट कर लेते हैं, ठीक है, एन सी ज़ीरो का मीनिंग होता है वन, प्लस एन सी वन का एन टू एज इट इज़, एन सी टू का क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू थ्री एज इट इज, प्लस ऐसे ही अब जब एन सी थ्री का लगाएंगे तो वो आ जाएगा, और लास्ट से एन सी एन का मतलब क्या होता है वन, और यहाँ आ गया n प्लस वन। इसको सोल्व कर लिया, वन प्लस एन बाई टू प्लस एन को n बड़ा है और n माइनस टू स्मॉल है, तो जो हमारा बिग होता है उसी को हम आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको हमने किया n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू थ्री इंटू सॉरी अपोन में है थ्री, तो अपोन में टू इंटू थ्री इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये कट हो गया तो n इंटू एन माइनस वन अपोन सिक्स आ गया, डैश डैश प्लस वन अपोन एन प्लस वन। ठीक है, अब हमने क्या किया इसको चेंज करने के लिए ताकि लास्ट में हमारे पास वन बन जाए, तो हमने एन प्लस वन को से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, या फिर बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, वन बाई एन प्लस वन हमने जब कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि अंदर मल्टीप्लाई हो गया और बाहर डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, आप देखो डिवाइड वाला तो हमने बाहर लिख लिया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से किया तो एन प्लस वन, इससे करेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, प्लस इससे करेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, डैश 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 यहाँ बन गया वन। आप देखो वन अपॉन एन प्लस वन हमने क्या किया, ताकि हमारी एक एन प्लस वन वाली सीरीज बन जाए, यहाँ से हमारा बन रहा है एन सी ज़ीरो होता है उसका वन हो जाएगा, एन सी वन का वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, एन आ जाता है तो इसमें एन प्लस वन है, तो मैंने क्या किया दोनों से इस साइड प्लस कर दिया और इस साइड माइनस कर दिया। प्लस वाले को हम जैसे अंदर ही रखा था ब्रैकेट में, तो एन प्लस वन सी ज़ीरो प्लस एन प्लस वन सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू प्लस एन प्लस वन सी थ्री डैश 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 एन प्लस वन सी एन प्लस थ्री, ये बन गया हमारे पास, ये सीरीज बन गई ज़ीरो वन टू थ्री एन प्लस वन सी वन से एन प्लस वन सी वन तक, फिर माइनस वन। अब अगर आप देखेंगे ये नीचे भी हमारे फैक्टोरियल बन रहे थे, ये टू फैक्टोरियल सिक्स को हम थ्री फैक्टोरियल लिख सकते थे, इसलिए बन गई सीरीज। अब हमारे पास फॉर्मूला है एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एन सी टू एन सी एन तक वाले का क्या होता है टू रेज टू पावर एन, तो इसमें हमारे पास टू रेज टू पावर एन के प्लेस पर क्या है एन प्लस वन, फिर माइनस वन एज इट इज़, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी टू रेज टू पावर एन माइनस वन अपोन में एन प्लस वन, दैट विल बी द आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट इज इफ सी ज़ीरो बाय वन प्लस सी टू बाय थ्री प्लस सी फोर बाय फाइव प्लस डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ज़ीरो टू फोर सिक्स इवन नंबर हमारे बन रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया इसको वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अगर सी ज़ीरो सी टू सी फोर है सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम टू रेज टू पावर एन माइनस वन, बट इस अपोन में भी कुछ टर्म्स गिवन है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन की एक्सपेंशन लिखी एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन। अब अगर आप देखेंगे इसमें यहाँ पर इसमें हमें चाहिए और इवन नंबर्स ज़ीरो टू फोर, बट इसमें तो सारे आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन की भी एक्सपेंशन राइट कर दी, माइनस वाले में क्या होगा मीन्स एक्स के प्लेस पर जब हम माइनस पुट करेंगे ओड वाले प्लेस पर हमारा माइनस आ जाएगा, एन सी ज़ीरो माइनस एन सी प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एन सी एन एक्स की पावर एन। अब मैंने क्या किया था कि ऐड कर लिया दोनों इक्वेशन को, ये और ये कट हो गया, अब यहाँ से जो टर्म बन रही थी एन सी थ्री इंटू एक्स थ्री वो इससे कट, तो मीन्स क्या हो रहा है हमारे पास ओड टर्म्स कट हो रही है, जब ओड टर्म कट्स हो रही है तो हमारे पास इवन बचेंगी, हमें इवन ही चाहिए। ऐड किया था हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, देखो एन सी ज़ीरो ये टू एन सी ज़ीरो बन रहा है, यहाँ से भी टू, तो टू पहले ही कॉमन रख लिया
एन सी जीरो प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी फोर एक्स स्क्वायर फोर प्लस डैश डैश डैश। अब साथ के साथ हमें क्या चाहिए ये भी ध्यान रखेंगे हम। अब हमारे पास जैसे थ्री फाइव ये चीज़ें बननी चाहिए नीचे, ये कब बनेंगी? ज़ीरो वाले से उसके नीचे वन कब बनता है? अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें ना बच्चे, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब अपॉन थ्री बन जाएगा। हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में इसका क्या बनेगा, वन प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन का वन प्लस एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और वन माइनस एक्स रेज़ टू पावर एन का क्या बनेगा, वन माइनस एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और एक्स के साथ जो माइनस वन है वो आ जाएगा। अब इसमें क्या था, टू इंटू एन सी जीरो का तो सी जीरो अपॉन वन, क्योंकि एक्स नहीं है इसमें, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, वन। अब उसमें देखें हम, इसमें क्या बनेगा हमारे पास एन सी टू का सी टू एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का क्या बनेगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स की पावर फोर का क्या बनेगा एक्स की पावर फोर अपॉन वन, यहाँ से बन रहा था एक्स की पावर वन अपॉन वन, ठीक है, सी जीरो, इसमें एक्स की पावर जीरो है ना, जीरो प्लस वन अपॉन वन। एक्स की पावर एन का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया एक्स की पावर टू का बन गया टू प्लस वन अपॉन थ्री, फिर यहाँ पर फाइव का बन जाएगा ऐसे ही, फोर का बन गया फाइव अपॉन फाइव। ये करने के बाद हमने क्या किया, अब हमें एक्स तो चाहिए ही नहीं है ऊपर, हमने क्या कर लिया एक्स के प्लेस पर वन पुट कर लिया। जब हमने एक्स के प्लेस पर वन पुट किया तो वन प्लस वन टू रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन टू, वन माइनस ये तो ज़ीरो हो गया, इसको तो लिखने की नीड ही नहीं है। इज इक्वल टू टू इंटू सी जीरो प्लस सी टू एक्स थ्री प्लस सी फोर एक्स की पावर फाइव प्लस डैश डैश। अब ये जो टू था इधर जाके क्या बन गया हमारे पास, अपॉन में हो गया, डिवाइड हो गया सी जीरो सी टू बाय थ्री प्लस सी फोर बाय फाइव डैश डैश। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, ये आ गई टू रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन बाय टू। अब इस टू को ऊपर जाके डिवाइड में माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा, टू की पावर एन अपॉन एन प्लस वन विल बी द आंसर। नाउ द फोर्थ पार्ट इज सी जीरो माइनस सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय थ्री माइनस डैश 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 माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू सी एन अपॉन एन प्लस वन। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सी जीरो का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, वन मीन्स एन सी जीरो है, ये सी जीरो का मीनिंग आपके पास अपने आप देख लेना है, एन सी जीरो है, एन सी वन है, एन सी जीरो का वन माइनस एन सी वन का एन अपॉन टू, एन सी टू का एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू थ्री माइनस डैश डैश है दिस। अब इसको क्या किया हमने, देखो जो हमारे पास टर्म बन रही थी सेम किया मैंने, जो पीछे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसके अपॉन में क्या बच रहा है वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, जो वन अपॉन एन प्लस वन बच रहा है वही हमने कैंसिल करने के लिए वन अपॉन एन प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिवाइड वाला तो मैंने बाहर ले लिया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, एन प्लस वन ये बन गया एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये बन गया एन इंटू एन माइनस वन एन प्लस वन अपॉन सिक्स, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल टू इंटू थ्री इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये कट गया था इससे, जो बचा था एन इंटू एन माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू एन प्लस टू जिससे हमने मल्टीप्लाई किया डैश 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 माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वन। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमें वन तो चाहिए होता स्टार्टिंग में, वन नहीं है तो वन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया वन प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया, इधर ही किया इसमें, क्यों किया है ये रीज़न भी आपको अभी बताऊंगी, पहले मैंने भी लास्ट में किया था नहीं सॉल्व हुआ दैट्स व्हाई। तो वन प्लस कर लिया और माइनस कर, प्लस इन प्लस वन माइनस दिस प्लस दिस दिस। अब इसका मीनिंग क्या है, एन प्लस वन सी जीरो, क्योंकि एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन सब में है, एन प्लस वन सी जीरो माइनस एन प्लस वन सी जीरो प्लस एन प्लस वन सी वन माइनस एन प्लस वन सी टू प्लस एन प्लस वन सी थ्री डैश 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 एन प्लस वन सी एन। अब देखो अगर मैं इसको उस साइड माइनस करती, इस साइड प्लस का इस साइड माइनस का, तो हमारे पास क्या आ रहा था,
हमें एन सी जीरो प्लस का चाहिए और अगला एन सी वन माइनस का चाहिए। अगर मैं यहाँ प्लस कर रही थी तो हमारे पास एन सी जीरो भी प्लस का आ रहा था और एन सी वन भी प्लस का आ रहा था, तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अब मैंने क्या किया है, एन प्लस वन सी जीरो, इसमें से इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये चेंज हो गया, एन प्लस वन सी जीरो माइनस एन प्लस वन सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू माइनस एन प्लस वन सी थ्री डैश डैश डैश। अब क्या हुआ, ये एक सीरीज बन गई हमारे पास। अगर हम देखें इस वाले में से भी एन प्लस वन सी जीरो का मीनिंग वन माइनस, जो इवन वाले हैं इवन वालों में लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया ओड वालों में से, ठीक है। अब हमारे पास इवन और ओड दोनों हैं, हमारे पास इवन का फॉर्मूला लगाया टू रेस्ट बाय एन प्लस वन माइनस वन माइनस टू रेस्ट पावर एन माइनस वन, एन के प्लेस एन प्लस वन है, कट गया, ये सारा कट जाएगा, टू की पावर एन माइनस टू की पावर एन जीरो, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा यही हमारा वन बाय एन प्लस वन इंटू वन इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज वन प्लस सी वन बाय सी जीरो इंटू वन प्लस सी टू बाय सी वन प्लस इंटू वन प्लस सी थ्री बाय सी टू डैश डैश डैट वन प्लस सी एन बाय सी एन माइनस वन। सी वन का मीनिंग एन सी वन है, सी टू जीरो का एन सी जीरो है, जो भी आएगा। और हमें ये भी मालूम है एन सी वन की वैल्यू एन होती है और एन सी जीरो की वैल्यू वन, तो हमने क्या किया, वन प्लस सी वन में एन अपॉन वन इंटू वन प्लस सी टू को सोल्व किया, एन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू सी वन का होता है एन इंटू वन प्लस सी थ्री का लगाया हमने एन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू अपॉन में जो सी टू है उसका लगाया एन फैक्टोरियल अपॉन में चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बच्चे, तो एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल डैश डैश डैश, ऐसे इसको वन प्लस एन सी एन का होता है वन, और इसको हमने सोल्व कर लिया सी एन वाले को एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है आर के प्लेस पर, इसमें एन एन माइनस वन है तो अंदर का साइन चेंज और एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, वन प्लस एन और यहाँ से आया वन प्लस सोल्व करके वन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू, इसको सोल्व करके आया हमारा ये वन प्लस एन माइनस टू अपॉन थ्री, ऐसे ही अगला जैसे एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अगला आ जाएगा एन माइनस फोर डैश 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 वन प्लस वन अपॉन एन आ गया लास्ट में, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या होगा, वन प्लस एन ये तो लास्ट से ही चलता आ रहा है, इसको जब हमने एलसीएम लिया अपॉन में टू प्लस एन माइनस वन अपॉन टू, इसका भी एलसीएम इसका भी सबका एलसीएम ले लिया, ये बना एन प्लस वन, ये बन गया एन प्लस वन अपॉन टू, ये बना एन प्लस वन अपॉन थ्री एन प्लस वन अपॉन फोर डैश 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 एन प्लस वन अपॉन एन, तो सब में से वन प्लस एन वन प्लस एन वन प्लस एन कितने लास्ट तक बना, रेस्ट टू पावर एन हमने लिख दिया और नीचे बन रहा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रेस्ट टू पावर एन तक, तो ये एन फैक्टोरियल, दैट विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डैश 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 प्लस सी एन इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस टू रेस्ट स्क्वायर प्लस टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री डैश डैश एन सी एन। अब हमारे पास मैंने क्या किया, हम मैंने एक्सपेंशन लिए एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर एन, ठीक है। आप वन प्लस एक्स वाली भी ले सकते हैं, ये वन प्लस एक्स वाली से भी हो जाएगा हमारे पास ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो एन सी ज़ीरो इंटू एक्स एन इंटू वाई ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस एन इंटू वाई डैश डैश डैश, ठीक है। तो एन सी एन इंटू एक्स ज़ीरो इंटू वाई की पावर एन। आप देखो हमने क्या किया, एक्स और वाई के प्लेस पर वन पुट कर लिया, जब वन पुट किया वन प्लस वन क्या बन गया टू रेस्ट टू पावर एन, और ये बन गया एन सी ज़ीरो, एक्स और वाई तो ज़ीरो ही है हमारे वन ही है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सब कट हो गए, वन की पावर चाहे कितनी ही है वन ही आएगा, तो एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डैश 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 एन सी एन, टू रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो को वन प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी, इनको एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब ये वन इस साइड आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमें चाहिए थी, देखो
C1, C2, C3 से ही चाहिए थी हमारी, तो यही आ गई NC1, NC2, NC3 डैश NCN की वैल्यू क्या आ गई, 2^n-1। अब हम इसको राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, 1 + 2 + 2² + 2^n-1। इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 2^n-1। हाँ, हमने देखो ये सम का फॉर्मूला बन रहा है, एक सीरीज बन रही है, 2^0, 2^1, 2^2, 2³, 2^n-1। ठीक है, अब सम जो होता है हमारे पास एक जीपी सीरीज बन गई है, a + ar + ar² + ar(n-1), तो Sn क्या होगा, a (1-rn)/(1-r), अगर r 1 से छोटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर r 1 से बड़ा है तो r को हम पहले रखेंगे, rn-1/r-1। उसके आफ्टर a क्या है हमारे पास, a है 1 और r क्या है 2/1, 2 आ जाएगा। ठीक है, a2/a1 होता है हमारे पास r कॉमन रेशियो, तो Sn का फॉर्मूला लगाया हमने, r हमारा 2 है, 1 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 × 2^n-1/2-1, ये कट हो गया, 2^n-1, और यहाँ से भी क्या आया था, 2^n-1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस 2। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, इफ c1 + c2 + 3x² + c3 + --nxn-1 × cn = n × 1 + x^n-1। तो 1 + x^n का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, c0 + c1x + c2x² + c3x³ --cnxn। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ से देख सकते हैं राइट हैंड साइड से ये बनना चाहिए nxn-1, तो इसके लिए ये हमारा तभी बन सकता है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया मैंने इस पूरी टर्म्स को, ठीक है, इस वाले को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये बन गया xn का डेरिवेशन क्या होता है, nxn-1। तो हमने यही किया, n x के प्लेस पर 1 + x है (n-1) c0 का क्या हो गया, 0, क्योंकि इसके साथ कोई x का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, प्लस c1 हमारे पास क्या हो गया, c1 x का क्या हो गया हमारा 1, ऐसी x² का 2x × c2 + 3x² × c3 + --, इसका क्या बन जाएगा हमारे पास x^n(cn) एज इट इज, और xn का nxn-1। 0 हमारा कैंसर, यही हमें चाहिए था, n(1+xn-1) = this, hence 2। सिर्फ हमें इसमें क्या लेना था, एक डेरिवेशन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है c0 × c2 + c1 × c3 + c2 × c4 --cn-2 × cn। अब आप देखेंगे हमारे पास इसको आप क्या लिख सकते हैं, nc0 × ncn-2 लिख सकते हैं हम, बिकॉज ncr = ncn-r होता है, ठीक है, तो हमने इसमें भी लिख दिया यही nc, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है हमने, ncr = ncn-r, तो nc0 × ncn-2 + nc1 × ncn-3 + nc2 × ncn-4 + --nc(n-2) · ncn, जब हम करेंगे n-n c0 के इक्वल है। अब अगर हम इनको देखें, सबको मिला के देखो, आप क्या बन रहा है, 0 + n-2 n-2, 1 + n-3 n-2, 2 + n-4 n-2, +n-2 + 0 n-2, सबका कोफिशियंट अगर हम मैच करें, तो अगर उनके सम आर मैच करें, तो वो बन रहा है हमारे पास n-2। अब हमारे पास बन गया, ये किसकी एक्सपेंशन बन रही है, 1 + x^n में x की 0 की वैल्यू, ये इसका कोफिशियंट है, और ये किसका कोफिशियंट है, x^n-2 का, ये x^1 का है, ये x^n-3 का है, ठीक है, इनका जो हमारी टर्म बन रही है वो बन रही है n-2। थोड़ा सा बस इसमें याद रखना पड़ेगा हमें एक तरह से, ठीक है। अब हम इसके कोफिशियंट्स ले लेंगे n-2 के सारे कोफिशियंट, अगर हम देखें कोफिशियंट ऑफ n-2 इन
अगर हम n माइनस टू इन वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन में कॉफिशियंट्स देखें तो वो बनेंगे हमारे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टू एन सी एन माइनस आर, एन माइनस आर, और अगर हम लिखे टू माइनस आर एन माइनस आर लगा देंगे यहाँ पे तो टू एन माइनस एन प्लस टू एन प्लस टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसको एक्सपैंड करेंगे अगर हम, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 2n अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू एन माइनस एन प्लस टू फैक्टोरियल, टू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू इंटू एन प्लस टू फैक्टोरियल, ये हमारा इससे कोफिशियंट्स आ गया था। फिर हमने इसको फॉर्मूला लगा दिया सिंपल एन सी आर का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास C0 जीरो इंटू सी आर प्लस सी वन इंटू सी आर प्लस वन प्लस डैश डैश सी एन माइनस आर इंटू सी एन, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन का हमने एक्सपैंड लिखा एन सी जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस एन सी वन एक्स वन एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश एन सी आर, मैंने एक आर वाला टर्म और डाल दिया बीच में, इंटू एक्स की पावर आर, अगर आर हो तो एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन। अब एक्स प्लस वन का, ये तो वन प्लस एक्स है, ठीक है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर सी जीरो के बाद ना सी आर चाहिए, तो वही हमने किया एक्स प्लस वन ले लिया, ठीक है। एक्स प्लस वन रेज़ टू पावर एन का क्या हो जाएगा, एन सी जीरो इंटू एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन एन सी टू एक्स एन माइनस टू, एन सी आर का क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस आर प्लस एन सी एन का हो जाएगा एक्स एन माइनस एन, अगर इसके बीच में अगली टर्म होती एन सी आर प्लस वन इंटू एक्स एन माइनस आर माइनस वन। अब हमें जो चाहिए, हमें जो सी का कोफिशिएंट सी एन के साथ क्या चाहिए, सी एन माइनस आर, एन माइनस आर हमारे पास, उसका कोफिशिएंट हमें देखना है एन माइनस आर का, तो वो कैसे बनेगा हमारे पास कोफिशिएंट, वो हमने थोड़ा देखना है। आप देखो इसकी अगर हम फर्स्ट टर्म लेते हैं एन सी जीरो इंटू एक्स जीरो और इसको हमें चाहिए सी आर, तो हमारा सी आर जैसे मैंने बीच में लिया था ये वाला, ठीक है, ये देखो अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें सॉरी मल्टीप्लाई कर दें यही बनेगा हमारे पास, देखो एन सी जीरो इंटू एन सी इस वाले का एन सी आर इंटू एक्स जीरो इंटू एक्स एन माइनस आर, तो ये वाला अगर हम प्लस कर लें एक्स की पावर तो क्या बनेगा एन माइनस आर, और ये बन गया एन सी जीरो इंटू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर, ठीक है। उसकी आफ्टर है हमारे पास अगर हम इसकी नेक्स्ट टर्म लें और इसकी भी नेक्स्ट टर्म लें एन सी वन इंटू एक्स की पावर वन इंटू एन सी आर प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन। उसके बाद अगर आप देखोगे एक्स एक्स वाली पावर को अगर हम करते हैं वन प्लस एन माइनस आर प्लस वन, ये इससे कट एन माइनस आर आ गया एक्स की पावर, और ये है एन सी वन इंटू एन सी आर प्लस वन। अब हमने क्या किया इस इक्वेशन को हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना फर्स्ट को सेकंड से, तो हमने भी यही किया इस फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन इंटू एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन, और उसमें क्या देखना है हमें उसका कोफिशियंट देखना है n माइनस आर, जो लास्ट क्वेश्चन है सेम है हमारे पास वो उसकी तरह ही हमने किया है इसमें, ठीक है। उसमें हमारे पास दे रखे थे वो टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बना था। अब इसमें भी वन प्लस एक्स रेज टू पावर n है और वन प्लस एक्स रेज टू पावर n को हमने प्लस मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन बन गया। कोफिशियंट ऑफ n माइनस आर इन टर्म्स का क्या बन रहा है n माइनस हार बन रहा था, तो हमने ये क्या बन गया इसको अगर करेंगे हम टू एन सी एन माइनस आर, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है हमारे पास एन माइनस आर,
अब इसमें है हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल, 2n अपॉन n प्लस r हो गया n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही हमारे पास है, ये हमारा आंसर आ गया सी जीरो सी आर प्लस सी वन इंटू सी आर प्लस वन प्लस सी टू सी आर प्लस टू डैश डैश सी एन माइनस आर इंटू सी एन, उसकी वैल्यू आ गई दिस। ये हमारा आंसर है। ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया है ना, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया जैसे एन सी एन माइनस आर लिख के, इसको भी हम सेम जो मैंने ये वाला सम कराया है उसी मेथड से आप कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, बस उसके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके यही बनेंगे हमारे पास। वो जो x की पावर 2n है वो इसी से बना है, 1 प्लस x रेज टू पावर 2n, यही सेम एक्सपेंशन मैंने इसमें ली है उसमें भी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।